सेवा सबको। सर्वप्रथम मेरा सेवा 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 जहार सबको। जो लोग गोंडवाना दर्शन में जुड़े हुए हैं आप सबको मेरा सेवा जोहार। और सर्वप्रथम मैं उषा किरण आत्राम जी तथा समूचे टीम का खूब बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। आपकी वजह से मुझे यहाँ लाइव आने का मौका मिला। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही ना? सबको मेरा सेवा जोहार। जो भी जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप सबको मैं सेवा जोहार करती हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना। आज का हमारा विषय है गोंडवाना दर्शन। आज हम गोंडवाना दर्शन पर बात करने जा रहे हैं। गोंडवाना दर्शन का जन्म कहाँ से हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जन्म देने की प्रोसीजर ये बड़ी जटिल होती है, क्योंकि माँ जब बच्चों को जन्म देती है ना, तो उसे 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में पालना पड़ता है। और 9 महीने के बाद जब वो जन्म देती है बच्चों को, तो कितनी कठिनाइयाँ उसे झेलनी पड़ती है ये तो केवल माँ ही जानती है, माँ का दर्द। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पता नहीं, सारी दुनिया से सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो ही होती है। बच्चे का जन्म माँ के लिए बहुत बड़ा बड़ी खुशी का पल होता है वो। तो ऐसा ही हुआ है गोंडवाना दर्शन के साथ में। यदि गोंडवाना दर्शन की हम बात करते हैं तो आप देखते हैं गोंडवाना दर्शन पर फोटो है सुनेर सिंह ताराम जी की। गोंडवाना दर्शन और सुनेर सिंह जी ताराम एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि गोंडवाना दर्शन की बात करते हैं तो सुनेर सिंह जी आत्राम के बारे में, ताराम जी के बारे में हमें जानना ही होगा। और सुनेर सिंह जी आत्राम की, ताराम जी की जब हम बात करते हैं तो गोंडवाना दर्शन का जिक्र जरूर आएगा। दोस्तों, सुनेर सिंह जी ताराम आप सब जानते हैं गोंडवाना दर्शन के प्रमुख संपादक रहे हैं। आप ही ने गोंडवाना दर्शन को जन्म दिया है। बात ऐसी है, 1916 में गोंडवाना महासभा का गठन हुआ था और 7 राज्यों के कोयतूर समाज के बौद्धिक लोग वहां पर आए थे। काफ़ी विचार विमर्श हुआ और उसके बाद 1920-30 में गोंडी भाषा साहित्य के निर्माण की शुरुआत हुई। लोग गोंडी भाषा की ओर अग्रसर हुए। तब तक जो चल रहा था कि यहाँ के प्रस्थापित समाज ने हमारे पूरे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को आप जानते हैं कितना तहस नहस करके रखा है। तो ऐसा होता है ना दोस्तों कि जो लोग जीतते हैं तो जीतने वालों की सभ्यता जो हारते हैं उन पर भारी पड़ती है। तो ऐसा ही हमारे साथ में हुआ। हम लोग भले ही यहाँ इस देश के मालिक थे, मूल निवासी थे, राजा थे, लेकिन हमें बड़े षड्यंत्र के साथ में, षड्यंत्र करके, बदमाशी करके हराया गया और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी भाषा को तहस नहस करके रखा। और इसीलिए 1916 तक लोग हिंदुइज्म में ही जुड़े हुए थे और हिंदू धर्म संस्कृति का ही बहुत मात्रा में हम पर प्रभाव था। 1916 के बाद में चर्चाएं आरंभ हुई, लोग हमारी जड़ें ढूंढने लगे, हमारी भाषा की जड़ें ढूंढने लगे, हमारी सभ्यता की जड़ें ढूंढने लगे। और ऐसे ही बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा आए और 1920-30 में गोंडी भाषा के निर्माण की शुरुआत हुई। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में हमारे लोगों ने गोंडवाना के अलग राज्य की मांग की, लेकिन इस मांग को 1956 में ठुकराया गया। यह आंदोलन चलता रहा हमारे गोंडवाना राज्य का, लेकिन इस देश में कभी हमारे मूल निवासियों के बाजू में तो ये कभी लोग थे ही नहीं, क्योंकि वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इसीलिए हमारी बात क्यों करेंगे भला। और यदि हमें गोंडवाना अलग दे देते हैं तो
तो हमारा अस्तित्व बन जाएगा। ये तो हमारे अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं ना। तो इसीलिए 1956 में गोंडवाना के मांग को ठुकराया गया। दोस्तों, ये जो बुद्धिजीवी लोग थे वो इकट्ठा होने लगे, उसमें सुनेर सिंह जी ताराम, मोती रावन जी कंगाली और ऐसे ही कितने सारे लोग थे जो इकट्ठा आकर आपस में बात करने लगे। और ऐसे में 1980 में काफ़ी बदलाव आए, कुछ ऐतिहासिक बदलाव हुए। एमपी में रेलवाही नामक एक गांव था, वहां पर एक सम्मेलन भी हो गया था और उस सम्मेलन में हमारे बुद्धिजीवी लोग शामिल हो गए थे। वहां पर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी टेकते टेकते वहां पर आया और वो कहने लगा, मुझे मेरा ऐनक दे दो, मुझे मोला ऐनक दे दो, मोला दर्पण दिखा दो, ऐसा कहने लगा। लोग हंसने लगे उनके ऊपर कि यार ये आदमी क्या कह रहा है, ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, क्यों ये आदमी ऐसे कह रहा है कि मोला ऐनक दे दो, मुझे मोला दर्पण दिखा दो, ये क्या चीज़ है। तो उस जगह पर सुनेर सिंह जी ताराम भी उपस्थित थे और ताराम जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका उत्तर दे दिया और उन्होंने कहा कि ये ऐनक जो होती है ना, वो देखने के लिए होती हैं, सही दृष्टि से देखने के लिए, और दर्पण जो होता है वो हमारी सभ्यता का दर्पण था, हमारी संस्कृति का दर्पण था, क्योंकि दर्पण से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है, सही क्या है और गलत क्या है वो हमें दर्पण से ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, ऐसे बुनियादी पहलू देखने की क्षमता, समाज के बुनियादी पहलू देखने की क्षमता साहित्य में होती है और वो साहित्य का निर्माण होना चाहिए, ऐसे वो बूढ़े आदमी को लगता था और वो किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन सुनेर सिंह जी की समझ में आया और सबको ये बात उस समय समझाई गई और वो बूढ़े आदमी की व्याकुलता सबको समझाई गई और सबके समझ में आया कि ये आदमी क्या चाहता है। ये चाहता है कि इस देश में साहित्य का निर्माण हो, हमारी अपनी संस्कृति का फिर से दोबारा निर्माण हो, पुनर्निर्माण हो। हमारी संस्कृति कहाँ है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, वो जानने की कोशिश आप लोग करो, ये कहना था। और उस समय मरकाम जी ने, उनके साथ में मरकाम जी थे और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये जो युवा आया है, ये युवा कोई साधारण युवक नहीं है, ये सुनील सिंह जी ताराम है और ये इतना पढ़ा लिखा हुआ, MA, BEd, LLB, इसके साथ ही ये एरिया ऑफिसर भी है। दोस्तों, हमारे सुनील सिंह ताराम जी इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने UPSC की परीक्षा पास करके ऑफिसर तक बन गए थे। तो आप सोचते होंगे कि सुनेर सिंह जी ताराम को पढ़ने के लिए ऐसी ही व्यवस्था, ऐसी ही सुविधाएं मिली होंगी, हॉस्टल होंगे आज के जैसे सुसज्ज हॉस्टल होंगे, माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, तभी तो उस जमाने में भी इतना कुछ पढ़ पाए हैं। दोस्तों, ये आपकी गलत फहमी है। सुनेर सिंह जी का जन्म MP के एक खजरागढ़ी नामक गांव में 4 अप्रैल 1942 में हुआ था। उनके पिताजी छोटे से किसान थे, कोयतूर गोंड घर में उनका जन्म हुआ था, वे छोटे से किसान थे। दोस्तों, माँ बाप की भी कोई गलती नहीं होती, वो चाहते थे कि बच्चा खेती बाड़ी का काम करे, गाय चराए, घास काटे, जंगल जाए, क्योंकि पढ़े लिखे माँ बाप नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सुनेर सिंह जी के मन में ये बात थी कि मैं खूब पढ़ूंगा, लिखूंगा, अफसर बनूंगा, उनकी चाहत थी। लेकिन उनके माँ बाप जो थे उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वे 7वीं तक तो उसी गांव में पढ़े, माँ बाप के साथ में रहे और 7वीं कक्षा में जब वे प्रथम क्रमांक से पास हो गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कितने सारे सपने उनके मन में जगे होंगे। लेकिन माँ बाप का कहना था कि बच्चे अब पढ़ाई छोड़ दे, अब बड़ा हो गया है तू, खेती बाड़ी का काम संभाल ले, बैल चराने चल,
गाय चराने चल, जंगल में जा, लकड़ी काट के ला। सुनने सिंह जी ताराम तो उस समय डर गए। उनको लगा कि मेरे सपने तो अब सपने ही रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। क्या करना, क्या करना चाहिए बच्चे ने उस समय। वे घर से भाग गए, घर से भाग गए और किसी गांव में जाकर उन्होंने दाखिला ले लिया। इस गांव का स्कूल छोड़ दिया। माँ बाप से उनका झगड़ा हुआ। वे तो नहीं चाहते थे ना कि पढ़े लिखे, लेकिन बच्चा तो पढ़ना चाहता था। वो पढ़ने के लिए बाहर गांव गए, एक हॉस्टल में रहे, 5 रुपए का कमरा लिया किराए से। और ये पैसे कहाँ से आए उनके पास में, तो वे मजदूरी करते थे। 1 रुपया मजदूरी मिलती थी उस समय, मजदूरी करते थे, किसी के कपड़े प्रेस करते थे, तो ट्यूशन लेते थे। ऐसे कर कर के मैट्रिक तक पढ़े, हॉस्टल में रहकर पढ़े। दोस्तों, हॉस्टल के सारे बच्चे, उनके चचेरे भाई भी वहाँ पर पढ़ते थे, वे सब लोग गांव चले जाते थे धूपकाली की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में। लेकिन सुनेर सिंह जी वहीं पर रुके रहते थे। क्यों रुके रहते थे? क्योंकि उनको पढ़ना था और पढ़ने के लिए पैसा कमाना था। वहाँ पर कुछ डिवर के बच्चे आलू भुट्टे बेचते थे, वे आलू भुट्टे बेचने लगे, उनके साथ रहने लगे। और फिर जितनी भी कमाई आती थी उससे फिर कॉपियाँ खरीदी जाती थी, किताबें खरीदी जाती थी, और उसके बाद में उनकी पढ़ाई चलती रही। ऐसे ही वे हॉस्टल में पढ़ते रहे। ग्रेजुएशन भी उन्होंने हॉस्टल में रहकर ही पूरा किया। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ यातनाएं सुनेर सिंह जी को झेलनी पड़ी। आप जानते हैं उनका स्वभाव कितना मृदुभाषी था, कितने विनम्र थे। इतनी सारी यातनाएं झेलने के बावजूद भी उनके स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, कहीं उनका स्वभाव आक्रामक नहीं बना। पता नहीं किस मिट्टी के बने थे वे। उसके बाद उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद में एक चौकीदार, एक ग्रंथालय में चौकीदार के रूप में उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। उन्होंने ग्रंथालय में ही चौकीदारी क्यों की, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों, दरअसल उन्हें इतनी सारी किताबें जो वे चाहते थे, वे किताबें खरीदना और पढ़ना उनके बस की बात नहीं थी। उसके पीछे भी उनका एक नज़रिया था कि अगर मैं उससे ग्रंथालय में चौकीदारी करता हूँ तो मुझे किताबें फ्री में पढ़ने को मिलेगी। और इसीलिए वे ग्रंथालय में चौकीदारी करने लगे और वहाँ से किताबें पढ़ने लगे। ये किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने अफसर की परीक्षा पास की। उस समय UPSC देना पड़ता था, तब भी तो कोई परीक्षा उन्होंने दी, और वो परीक्षा देकर वे अफसर की पोस्ट पर उनकी नियुक्ति हो गई। तो दोस्तों, ऐसा उनके जीवन का प्रवास काफ़ी संघर्षरत रहा। इसलिए मैंने शुरू से ही कहा आपको, गोंडवाना दर्शन की बात यदि की जाए तो सुनेर सिंह जी की बात करनी ही पड़ती है, और सुनेर सिंह जी की बात करना हो तो गोंडवाना दर्शन आप ही आ जाता है उसमें। फिर ये विवाह थे, उनके पिताजी ने उनकी शादी कर दी, लेकिन इनकी शादीशुदा जो जिंदगी थी वो खूब अच्छी नहीं थी। उनको काफ़ी मानसिक यातनाएं उस दौरान झेलनी पड़ी। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने उनके ऊपर तरह तरह के ब्लेम किए, इल्ज़ाम लगाए, और उनका सारी स्टेट हड़प ली, उनको बेसहारा कर दिया, घर के बाहर निकाल दिया। ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में हमारे जैसे कोई साधारण लोग रहते तो अपनी मानसिक उलझन की वजह से पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या कर जाते थे। वे घर छोड़कर फिर से चले गए घर से, फिर भ्रमण करते रहे। फिर कहाँ गए, ऐसे ही घूमते रहे? नहीं, वे दिल्ली गए। और दिल्ली में जाने के बाद में वहाँ पर उन्होंने शोध और पत्रकारिता की पढ़ाई की। हमारे जो आने वाले युवा लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो हताश होते हैं, उन्होंने सीखना चाहिए सुनेर सिंह जी के जीवन से। उस समय शादियां तो बहुत जल्द हो जाती थी। सुनेर सिंह जी की शादी वैसे ही नौकरी लगने के बाद तुरंत ही हो गई, लेकिन उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं रही शादी से। ऐसे सैकड़ों कठिनाइयों के बावजूद, इतने कुछ संघर्ष के बावजूद,
सुनील सिंह जी आगे बढ़ते रहे, दिल्ली में पढ़ने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्रकारिता और शोध की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद वे समूचे भारत में भ्रमण करते रहे। बोली भाषा, देव दैवत, उसके हमारी सामाजिक व्यवस्था आदि को जानने की कोशिश करते रहे और शोध कार्य उन्होंने जारी रखा। उसी तरह गोंडवाना के भूभाग पर जो किले हैं, महल है, देवगढ़ी है, तालाब, देवस्थान, शिल्पकला, गोटूल आदि की भी जानकारी वे लेते रहे और साथ में वे उसके ऊपर सोचते रहे। एक दूसरे के साथ में कुछ दोस्त थे उन लोगों के, तो उनके साथ में वो बैठकर चर्चा करते रहे और उन्होंने अपना संशोधन कार्य जारी रखा। दोस्तों, उन्हें कभी सुख और चैन की कोई लालसा नहीं थी। आप जानते हैं कि कितना खुशहाल जीवन था उनका। उनकी पत्नी भी नौकरी करती थी और वे खा केवल उन्होंने अपना समूचा समय सामाजिक कार्य के लिए दिया था। उन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया और केवल गोंडवाना दर्शन के लिए ही वे काम करते रहे। आप जानते हैं कि वे कचारगढ़ में आकर बस गए थे अपने अंतिम दिनों में। वे चाहते थे बड़े शहर में रह सकते थे, दोनों ही पति पत्नी थे, बड़े शहर में बस सकते थे, बड़ा मकान लेकर रह सकते थे, लेकिन वे उसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हमारा इतिहास का जन्म हुआ था, जहां पर हमारी इतिहास की जड़ें बिखरी हुई हैं। उसी जगह पर सालेकसा नामक गांव में पहुंच गए। वे अकेले ऐसे इंसान थे कि उस जगह पर पहुंच गए और अपनी अंतिम सांस भी उन्होंने सालेकसा में ही ली। तो दोस्तों, ऐसे ताराम जी अपनी भाषा, संस्कृति और आदि के लिए वे अपने जीवन भर कष्ट करते रहे, मेहनत करते रहे और अपने गोंडवाना दर्शन के लिए। अब हम देखेंगे गोंडवाना दर्शन की शुरुआत कैसे हुई। तब मैं बता रही थी 1980 में रेलवाही में जब वो सम्मेलन हुआ था और उसके बाद उन्होंने तय किया कि हाँ, मुझे अब केवल जीना है। ये आदमी ने कहा मुझे ऐनक दिखा दो, दर्पण दिखा दो, ऐनक दे दो, तो उसकी ये बात को उन्होंने इस कदर गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने सोचा कि मैं अब समूचा जीवन गोंडवाना के साहित्य के लिए ही काम करूँगा, गोंडवाना के साहित्य लिए ही मैं जूँगा। और इसीलिए तभी से उन्होंने अपने आप से प्रण किया और 1986 में उनके मन में उस 80 में और जो बीज बोए गए उसका पौधा उभर कर आया 1986 में। और 1986 में उन्होंने पहली किताब गोंडवाना दर्शन की गोंडवाना सगा के रूप में उन्होंने प्रकाशित की। उस समय उनके साथ उस गोंडवाना दर्शन के प्रकाशन के लिए हमारे गोंड प्रसिद्ध संगीतकार और गोंड राजा चक्रधर सिंह के परपोते भानु प्रताप सिंह की प्रमुख उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया 19 दिसंबर 1985 को भोपाल में। और उस समय उनके साथ में काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, आनंद सिंह दुर्वे, कोमल सिंह मराई, मोती रावन जी कंगाली, कल्याण सिंह वरखेड़े, रामनाथ जी उमा, बल्लम सिंह केसर आदि सम्माननीय लोग थे और उन्हें साहित्यिक के रूप में उस समय नवाजा गया, सम्मानित किया गया। और 1987 में गोंडवाना दर्शन का पंजीकरण हुआ, यानी वैध रूप में गोंडवाना दर्शन सही मायने में उसका क्या बोलेंगे हम, नामकरण विधि पूरा हो गया। दोस्तों, ये गोंडवाना दर्शन एक जगह पर महाराष्ट्र में तो पैदाइश हुई, लेकिन महाराष्ट्र तक गोंडवाना दर्शन सीमित नहीं रहा। 7 राज्यों की उड़ान भरी गोंडवाना दर्शन ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, इतने राज्यों में गोंडवाना दर्शन पहुंच गया। अपनी गहरी और आर्थिक विपदाओं के बावजूद भी
अथक प्रयास करते रहे और अथक प्रयास, और वो बड़े विनम्र स्वभाव वाले व्यक्तित्व थे और इसीलिए उन्होंने इतने सारे संबंध बनाए थे, इतने सारे लोग जोड़े थे। उन्हें पास, उनके पास जो पूंजी थी वो इंसानों की पूंजी थी। वे कहते थे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन मैंने जोड़े हुए जो लोग हैं वही मेरी जमा पूंजी है, और ये जमा पूंजी अंतिम सांस तक उनके साथ में रही। दोस्तों, उन्होंने आदिवासी लेखकों, कवियों, बुद्धिजीवियों आदि सब लोगों का सहकार ये लिया गोंडवाना दर्शन के लिए और गोंडी भाषा और सभ्यता के लिए। इतने सारे लोगों ने मिलकर काम किया, ये किसी अकेले का काम नहीं था, लेकिन ये नेतृत्व ताराम जी का ही रहा। ताराम जी ने जितना कुछ किया शायद ही उनमें से किसी ने किया। तो ऐसे ही हमारे ताराम जी ने जो पत्रिका निकाली थी गोंडवाना दर्शन की, ये पत्रिका समूचे भारत में पहली जनजातीय पत्रिका थी, पहली जनजातीय पत्रिका। और दोस्तों, इसमें प्रकाशित होती थी भाषा, इतिहास, संस्कृति और समाज की जड़ों को पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारे साहित्यिक करते आए थे। कितने सारे लोग गोंडवाना दर्शन में लिखते रहे और कितने सालों तक ये पत्रिका चली, लगभग 32 सालों तक। और 32 सालों में सुनील सिंह जी ने 18 साहित्य सम्मेलन लिए, 18, और वो भी एक ही महाराष्ट्र में नहीं, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में उन्होंने वो सम्मेलन लिए। इसी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है अपने जीवन संघर्ष पर, 18 पार्ट, 32 बहिनी नाम की। लेकिन दुर्दैतावश वे उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरी करने के पहले ही उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा। तो दोस्तों, 1915 में गोंडवाना दर्शन की जयंती मनाई गई और साहित्य जगत में काम करने वाले, समूचे आदिवासी जगत में काम करने वाले संगठनों में इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश की। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो खाली गोंडी भाषा के लिए ही काम करते थे, वे समूची आदिवासी भाषा, समूची आदिवासी लोगों का इतिहास, उनकी सभ्यता, सभी के प्रति वे समर्पित रहे थे। और इतना सब करने के बावजूद उन्हें कितने सारे पुरस्कार भी प्राप्त हो गए, लेकिन पुरस्कार का रत्ती भर भी घमंड उन्हें छुआ नहीं था। आजकल छोटा सा पुरस्कार यदि किसी को मिलता है ना दोस्तों, तो पता नहीं वो आसमान में उड़ने लगता है, पर निकल आते हैं। लेकिन सुनील सिंह जी को तो घमंड जरा भी नहीं छुआ था। उन्हें इतने सारे पुरस्कार में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने तो उन्हें गोंडवाना रत्न के नाम से उन्हें पुरस्कार दिया, गोंडवाना रत्न से उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उन्हें गोंडवाना भूषण का पुरस्कार दिया। और इसी प्रकार बड़े बड़े लोगों ने गोंडवाना गौरव, गोंडवाना समाज सेवक, गोंडवाना साहित्य सेवक, ऐसे कई पुरस्कार यदि आप कभी सालेकसा में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा उनका घर। उन्हें वहां पर 7 भाषाओं का अध्ययन होता है और पूरा उनका घर मानो एक लाइब्रेरी है, एक पूरा ग्रंथालय है। जरूर आप जाइएगा और देखिएगा, वहां पर उषा किरण जी का उन्हें साथ मिला, एक सही साथ। एक लेखिका के रूप में उषा किरण जी को उन्होंने उबारा, उन्हें एक मार्गदर्शन किया। दोस्तों, मैं सबसे पहले उषा किरण जी को ही जानती थी, ताराम जी को नहीं जानती थी। और एक छोटे से सम्मेलन में चिमोर में ताई ने मुझे निमंत्रित किया था। मैं जब उनके घर में गई ना, तो उनके घर पर जो नेम प्लेट होती है ना, उस पर खाली उषा किरण जी आतराम का नाम लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि ताई जी की हस्ती बहुत बड़ी होंगी, इसीलिए ताई जी का ही नाम लिखा है। थी ही भी बड़ी, बहुत बड़ी हस्ती, में जैसे मैं जानती थी एक गोंडवाना की, एक महाराष्ट्र की आदिवासी पहली कवित्री है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुझे उनका जो ताराम जी का व्यक्तित्व उनके सामने छोटा होगा, ऐसे में पलभर के लिए मैंने सोची। और
ताराम जी से उस समय मेरी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो उस समय भी बीमार थे, उनके ऑपरेशन वगैरह हो गए थे। और उसके बाद मैं दोबारा जब ताई जी ने चंद्रपुर में एक सम्मेलन लिया था, तब जब मैं गई तो वहाँ पर जब वे मिले तो इतने प्यार से बात की उन्होंने, इतनी विनम्रता से मेरा स्वागत किया कि ऐसा लगा मुझे कि मैं इनको, इन्हें आज से नहीं, अभी से नहीं, कुछ दिनों से नहीं, सदियों से जानती हूँ। इतने अपनेपन से मेरे साथ बात की मुझे, और मुझे काफ़ी सम्मान दिया, जबकि मैं उस सम्मान की इतने लायक थी नहीं, इतनी बड़ी तो मैं थी नहीं, एक मामूली सी हस्ती, एक साधारण सी छोटी सी लेखिका, छोटा छोटा लिखती हूँ। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से मेरा सम्मान किया, सच दोस्तों मैं तो दंग रह गई उस समय। और उसके बाद उनकी और मेरी जो दोस्ती हुई, तो अंतिम सांस तक वे जब अंतिम दिन मेरे घर में ही, वे जो वर्धा में आए थे तो उनका ऑपरेशन हुआ था आँख का। मैं देखती हूँ कि वो बीमार थे, पहली बार जब आए थे बीमार थे, ताई को अरवी में इसी सम्मेलन में शामिल होने जाना था, अभी बीमार थे तो जा नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में भी घर में बैठे बैठे, वहाँ स्कूल से आती हूँ देखती हूँ तो उन्होंने 4 पेज लिखकर अपने टेबल पर रखे थे, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी सीरियस है और तब भी लिख रहे हैं। और दूसरी बार जब आँख का ऑपरेशन हुआ तब मेरे घर आए थे, दिवाली के दिन थे दोस्तों, और आँख का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करके घर आए, जब मैं घर पहुँची तो हॉस्पिटल से लौटे थे और उनके हाथ में मेरे घर में पड़ी हुई एक किताब जो आदिवासी जीवन पर थी, वो किताब उनके हाथ में थी। मैंने ताई जी से कह दिया कि पढ़ेंगे, अभी पढ़ना नहीं है और उन्हें देखना ही नहीं है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है। इतना किताबों के प्रति लगाव मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इतना लेखन के प्रति लगाव मैंने नहीं देखा। लेकिन इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी लिखना है, आँख का ऑपरेशन हुआ तब भी पढ़ना है, अरे वाह। तो ऐसे थे हमारे ताराम जी, काफ़ी कुछ लिखा है, उनका जीवन संघर्ष रहा है, एक संघर्ष यात्रा रही है दोस्तों। उनके बारे में कितना भी कहा जाए कमी है। उन्होंने अपने अंतिम दिन में एक आत्मकथन लिखने की कोशिश की थी, कतरा कतरा जिंदगी, लेकिन वो भी दुर्भाग्यवश पूरी नहीं हो पाई। और इसके साथ ही उन्होंने मोहताज नाम का एक कथा संग्रह भी लिखा, लिंगोपाट का नाम का लोकगीत संग्रह भी आपने लिखा। तो दोस्तों ऐसी कितनी ही किताबें उन्होंने, और उनका संपादकीय तो इतना था, 400 से भी ऊपर उनके संपादकीय देख रहे, और उन्होंने आर्टिकल्स भी इतने 100 से भी ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखे। सारे भारत के लोगों ने समझे, भारत के आदिवासी जो उसे देखते थे पढ़ते थे सभी ने सराहा। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि उनकी जीवन साथी जो है उषा किरण जी आत्राम, उनके कार्य को आगे बढ़ाने की ठानी है। आज हम गोंडवाना दर्शन भारत के ही नहीं समूचे विश्व की यात्रा कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी ताई जी कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि उनके 100 एपिसोड कंप्लीट होने जा रहे हैं, 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे, शताब्दी की ओर गोंडवाना दर्शन बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगी, मैं स्त्री हूँ और इसलिए बात करूँगी, पिछले साल सितंबर माह में एक महिला परिषद का गठन हुआ था मुंबई विद्यापीठ में, और ये समूचे महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों समूचे भारत की सभी जनजातियों की स्त्रियों को जोड़ने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जितनी भी हमारे भारत के आदिवासी हैं, इस परिषद में जब आदिवासी महिलाएं इस परिषद में जुड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आप उषा ताई जी ने बोलने का मुझे एक मौका दिया है और यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसलिए मैं कभी उनको भूल नहीं सकती हूँ और मैं समूचे टीम का यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ।